नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सब के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयासी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। श्रेयासी ने बीजेपी नेता और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। निशानेबाजी में अपनी अलग पहचान बना चुकी श्रेयासी अब राजनीति में निशाना लगाने की तैयारी में है। इससे पहले कहा जा रहा था कि वे लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो सकती हैं, लेकिन ये महज अफवाह साबित हुई। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी श्रेयसी राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं और 2018 के राष्ट्रीय मंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले ग्लासगो में हुए 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी की डबल ट्रिप स्पर्धा में रजत पदक जीता था। बता दें कि भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों की अंतिम रूप देने के लिए रविवार की शाम बैठक की। कहा जा रहा है कि बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। दोनों प्रमुख दल 119-119 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, ताकि मांझी के लिए 5 सीटें छोड़ी जाएंगी। हालांकि अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।